हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओटी टेक्नीशियन एंड कार्डियक टेक्नीशियन डिप्लोमा करने में कितनी फीस लगती है और क्या स्कॉलरशिप मिलती है या कि नहीं मिलती है। स्टूडेंट के बहुत सारे कमेंट यही आने वाले हैं और स्टूडेंट में यही क्वेश्चन बना रहता है कि कितनी फीस लगने वाली है फाइनली, और इसमें स्कॉलरशिप मिलती है भी नहीं मिलती, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस बेसिस पर एडमिशन लेते हैं कि अगर उनकी स्कॉलरशिप मिलती है तो वो कंटिन्यू कर पाएंगे। तो उनके लिए वीडियो इंड तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन फीस, जो जनरल कैटेगरी चाहे EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी दोनों कैटेगरी के लिए आपकी फीस केवल 200 रुपये रखी गई है। वहीं आप अगर SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए केवल 100 रुपये फीस रखी गई है। ये देखिए बहुत कम फीस है, लगातार फार्म को देखते हुए 200 रुपये जनरल OBC कैटेगरी के लिए और ST और SC कैटेगरी के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से इसका भुगतान कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि ये तो है एप्लीकेशन फीस, जब एडमिशन होगा एडमिशन टाइम कितनी फीस लगती है, तो आपका 15,000 रुपये एडमिशन फीस लगती है। अगर आप इसका प्रूफ जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक प्रोवाइड किया गया, उस पर आप लिंक कर जब आप क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। इसका जो प्रोस्पेक्टस होगा ये मैं आपको अभी तुरंत डाउनलोड करके दिखा भी देता हूँ। ये देखिए स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे, डाउनलोड नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर, ये देखिए चयनित छात्र छात्राएं प्रशिक्षण शुल्क 15,000 रुपये प्लस बैंक चार्जेस, ऑनलाइन जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। और ये देखिए मतलब आपका जो फीस है वो 15,000 रुपये प्रशिक्षण शुल्क लगने वाला है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। अब बात करते हैं कि स्कॉलर्स गवर्नमेंट द्वारा आयोजित स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल कन्फर्म रहें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और UP गवर्नमेंट द्वारा जितने भी स्कॉलरशिप होती हैं इस क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, बहुत सारी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपको प्रोवाइड की कराई जाती हैं। इसको बेफिक्र रहें कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आप सारे क्राइटेरिया को पूर्ण करते हैं तो आपको गवर्नमेंट द्वारा स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।